मिस हयात। मुराद सर, तुम अभी भी उसे सर कह रही हो? यार अभी तो तुम अपने बॉस की इतनी बुराइयां कर रही थी और अभी फौरन से मुराद साहब कहने लग गई। आप जब भी गिरती हैं तो मैं ही क्यों संभालता हूं? मुझे क्या पता, मैं जानबूझकर थोड़ी गिरती हूं जो आप आके संभालें। अब छोड़ दूं क्या? छोड़ दें। ठीक है। ओह खुदा, मैं फिर से गिर गई। I'm sorry। मैंने कहा था ना कि जब भी आप गिरती हैं मैं ही संभालता हूं। अब तो यह साबित भी हो गया है ना? आपने अचानक से छोड़ दिया तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई, इसलिए मैं दोबारा गिर गई। कहिए क्या काम है सर? SWOT एनालाइजर? SWOT एनालाइजर के बारे में आपको कुछ नहीं मालूम जो ऐसे पूछ रही हैं? नहीं नहीं सब पता है मुझे, इस बारे में तो मैंने बहुत रिसर्च की हुई है सच में। मुझे ही कुदरत मौका देती है हमेशा मदद करने का आपकी। मैं खुद ही बाहर आ जाऊंगी, बहुत शुक्रिया आपका। प्यार लफ्जों में कहां, दिलों की होती है ज़ुबान, वो जानते ही नहीं। रखूं या छोड़ दूं? होती है नजरों से बयां, आपके पकड़ने से तो बेहतर है कि मैं गिर ही जाऊं। आप ये कैसे फेंक रहे हैं? मुझसे तो ये खेला भी नहीं जा रहा। अगर तुमसे खेला नहीं जा रहा तो फिर हार मान लो। सोचिएगा भी मत, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। ये गेम मैंने खेला तो नहीं है, लेकिन अगर खेलूंगी तो यकीन है कि जीत जाऊंगी। अगर तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आए तो? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, मैं डाइस फेंकूंगी,
जो भी नंबर आएंगे पहले मैं अपनी गोट सेव करूंगी, उसके बाद आपकी गोट पीटूंगी। ठीक है, मगर तुम्हें नंबर चाहिए 7। अगर तुम्हारे 7 नंबर से कम आते हैं तो तुम्हारे जीतने के चांसेस बहुत कम है। ये हुई ना बात। ये माना नहीं जाएगा क्योंकि जब आपने दाम चली मैं बातों में लगी हुई थी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हारने के बाद हर इंसान यही कहता है। थोड़ा ब्रेक लेके कॉफी पी ली जाए, क्या ख्याल है? चले बंद करें, मैं हारी और आप जीते। लो तुमने तो वाकई हार मान ली। ठीक है, हम नई गेम शुरू कर लेते हैं, हो सकता है इस दफा तुम जीत जाओ। जब मैं कह रही हूँ कि आप जीत गए तो बस जीत गए। खेले बगैर मैं कैसे जीत मान लूं? मुकाबला तो करना होगा। आखिरी गेम खेलते हैं, जो नतीजा निकलेगा दोनों को मानना होगा। चलो अब जिद मत करो, आ जाओ जल्दी से गेम शुरू करते हैं। मैं आपसे कह रही हूं ना कि बस आप जीत चुके हैं, आप नहीं खेलेंगे, मजा आएगा। मैं कह रहा हूं तुमसे, बेईमानी करने वालों के साथ ऐसा ही कुछ होता है। मुझे तैरना नहीं आता। तुम मुझसे मजाक कर रही हो या सीरियस हो? यार इधर आओ, जब तैरना नहीं आता था तो पानी में क्यों कूदी? मैंने क्या किया है? जो मैंने कहा था वो आपने किया ही नहीं। अच्छा बस हिलना बंद करो वरना हम दोनों डूब जाएंगे। ये सब आपकी वजह से हुआ है। तुम्हें यही जगह मिली लड़ने के लिए? क्यों ना लड़ूं, मैं आपकी वजह से मरने वाली हूँ। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। वादा करते हैं आपको? हाँ वादा। ठीक है बताइए मैं क्या करूँ। मुझे कंधों से पकड़ लो और हिलना मत ज्यादा। समझ गई? ना समझ गई। एक और एनवेलप मिल गया। तुम्हारा अंदाजा तो बिल्कुल ठीक निकला। इन बेवकूफों को कोई और जगह नहीं मिली थी एनवेलप रखने के लिए? ज्यादा बोल दिया मैंने? वाकई बहुत बेवकूफ है, इतनी ऊपर से कौन उतारेगा? क्या कर रही हो? मैं कोशिश कर रही हूँ इसे नीचे गिराने की। वैसे मुझे दरख्त पर चढ़ना आता है। इसकी कोशिश भी मत करना, बिल्कुल नहीं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं जब छोटी थी तो दरख्तों से नीचे ही नहीं आती थी। इंग्लैंड में? इंग्लैंड में? तुम्हारा बचपन इंग्लैंड में ही तो गुजरा है, वही तो पैदा हुई थी तुम। सही कहा, मुझे याद है बाबा मुझे जंगल में दरख्तों के पास लेकर जाते थे और वहीं से मैंने सीखा है। अगर आप मुझे वहां तक पहुंचा दें तो मैं एनवेलप उतार लूंगी। उठाए ना? मैं उठाऊं तुम्हें? हाँ मुझे। चलिए ना। हाँ बस बस पहुंच गया हाथ। और ये पकड़ लिया? नहीं रुको। हाँ हो गया। आराम से। मैं ठीक हूं। आप? बेवकूफों वाला गेम खेल रहा हूं। इसमें मेरी क्या गलती है? जिसने ये गेम शुरू किया था उसकी हुई। अगर तुम मुझे नहीं रोकती तो इस वक्त मैं आराम से घर में बैठा होता। मैंने सिर्फ आपको रोका था, टांगे नहीं पकड़ी थी आपकी। अगर जाना था तो चले जाते। अच्छा बस जल्दी से इसे पढ़ो ताकि हम आगे बढ़ सकें। जो अगर हार गए हम लोग तो तुम्हारी वजह से ही आ रहे हैं। देखो जरा क्या लिखा हुआ इसमें। दूर मत जाओ मैं तुम्हारे पास ही हूं। चलो हो गया हल।
मैं हूं ना तुम्हारे पास, घबराओ नहीं, बस एक बुरा ख्वाब था वो। रिलैक्स, सो जाओ। मुझे यहाँ पर कौन लाया? क्या टाइम हो रहा है? मैं लाया हूँ तुम्हें। आराम से। चक्कर आ गया मुझे। नींद से अचानक अगर उठो तो ऐसा हो जाता है। बैठो। कब से हूँ मैं आपके घर पर? 4-5 घंटे हो गए। अगर कहो तो डॉक्टर को दोबारा बुलवा लूँ मैं। किस लिए? अच्छा तो तुम्हें कुछ याद नहीं है? एक्चुअली तुम्हारी तबीयत लिफ्ट में खराब हो गई थी, बेहोश हो गई थी तुम, इसलिए डॉक्टर को बुलवाना पड़ा। हाँ मुझे याद आ गया, मैं तो लिफ्ट में फंस गई थी ना मुराद सर। अच्छा परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक है अब। वक्त से मेरे जागने का इंतजार कर रहे थे आप? हाँ वो तुम्हारी तबीयत और खराब ना हो जाए इसलिए तुम्हारे बाबा को कॉल करने की कोशिश भी की, लेकिन बाबा को? बाबा तो परेशान हो गए होंगे मेरी तबीयत का सुन के। आपने बात नहीं हुई, सिर्फ तुम्हारी फ्रेंड को बताया, उसने नहीं बताया होगा उन्हें। उन्हें कॉल करनी है मुझे। ठीक है ये लो जल्दी, मैं तुम अपना मोबाइल ऑफिस में ही भूल गई थी, मैं कॉल कर रहा था तो मिल गया मुझे। तुम्हारा बैग मैंने ऑफिस से मंगवा लिया है, चाहो तो फ्रेश होकर चेंज कर लो, मैं बाहर तुम्हारा वेट करता हूँ। और हाँ प्लीज दिमाग पर जोर मत डालना, अगर फिर से बेहोश हो गई तो मुझे और जागना पड़ेगा। ओके। हाँ कोई और काम तो नहीं है? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना देता हूँ, बाबा से बात कर लो फिर बाहर आ जाना। ठीक है। इस वक्त तुम्हारे चेहरे पर बहुत मासूमियत दिख रही है मुझे, कहीं ये तुम्हारी बेहोशी का कमाल तो नहीं? कॉल कर लो।